वेलकम बैक टू माय वीडियो, आई एम पासी सर। और आज की सीरीज में अब हम शुरू करेंगे अपने कैलकुलेटर का यूज सीखना। यानी आपको सबसे पहले आज मैं ये वाले कैलकुलेटर में सिखाऊंगा किस तरह से हम इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अगर मैथमेटिकली आप ये इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करो तो ये आसान नहीं है। आपको 80 साइन अल्फा का टर्म राइट साइड पे लेके जाना पड़ेगा, बोथ साइड्स को स्क्वायर करना पड़ेगा और बहुत सारी मैथ्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर हमें ट्रिक पता हो तो हम ये डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर में। तो मैं एक एक करके आपको बटन बताता जाता हूं कौन से दबाने हैं। आप मेरे साथ साथ कैलसी लेके बैठिए और वो बटन प्रेस करते जाइए एंड देखते हैं एंड में हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप दबाइए शिफ्ट, अब दबाइए 9, अब दबाइए 3, अब दबाइए इक्वल टू, अब दबाइए एसी। आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने कैलसी की मेमोरी क्लियर करी ताकि अगर उसकी मेमोरी में कोई प्रीवियस वैल्यू स्टोर्ड है तो वो डिलीट होनी चाहिए, नहीं तो कैलसी हमारी प्रीवियस वैल्यू उठा लेगा जो उसकी मेमोरी में स्टोर्ड है। अब हमने कैलसी की मेमोरी क्लियर कर दी। अब हम इस कैलसी में इक्वेशन फीड करेंगे जो मैंने इधर लिखी हुई है और लास्ट में देखेंगे कि कैसे आंसर आता है। चलिए इक्वेशन फीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दबाइए माइनस 40, माइनस 80 कॉस। अब रुक जाइए, अब पहले समझिए फिर बटन दबाइएगा। अब देखिए शिफ्ट के बाजू में अल्फा लिखा हुआ है, वो अल्फा बटन दबाने से हम अल्फाबेट्स को एक्टिवेट कर देंगे ताकि किसी अल्फाबेट को हम ले सके अपना वेरिएबल। तो शिफ्ट के बाजू में जो अल्फा का बटन है वो बटन दबाइए। हां अब ध्यान से देखिए, जब तक मैं बोलू नहीं बटन प्रेस नहीं करिएगा। 9 के ऊपर देखिए दो ब्रैकेट्स हैं, उसमें जो राइट साइड का ब्रैकेट है वो ब्रैकेट प्रेस करिए, राइट साइड वाला ब्रैकेट। क्या आया? एक्स। यानी हमने अपने अननोन वेरिएबल को बनाया एक्स। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। दैट मींस हमने अभी तक कैलसी को क्या इक्वेशन दे दी? माइनस 40 माइनस 80 कॉस एक्स, यानी हमारा वेरिएबल है एक्स। आगे फीड करते हैं, प्लस 80, अब है साइन। फिर से हमें अल्फा लाना है, फिर से अल्फा दबाइए और 9 के ऊपर राइट साइड वाला ब्रैकेट का बटन दबाइए। आ गया 80 साइन एक्स। रुकिए, इक्वल टू नहीं दबाइए, ये इक्वल टू इसमें वर्क नहीं करता है क्योंकि हमें कैलसी को इक्वेशन देनी है। अब आप फिर से अल्फा दबाइए, अल्फा दबाया। अब देखिए शिफ्ट के नीचे रेड में इक्वल टू का साइन है, वो दबाइए। किया प्रेस, देखिए इक्वल टू आ गया। अब राइट साइड पे क्या है हमारा? जीरो। अब जीरो दबाइए। अब हमने कैलसी को पूरी इक्वेशन दे दी। अब हम चाहते हैं कि ये कैलसी हमारे लिए ये इक्वेशन सॉल्व करे, तो दबाइए शिफ्ट। अब दबाइए इसके नीचे वाला बटन सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन कैलसी क्या बोल रहा है, कैलसी आपसे पूछ रहा है सॉल्व फॉर एक्स। अब दबाइए इक्वल टू का साइन। हाँ, अब आपको लग रहा होगा कैलसी क्या कर रहा है, ब्लैंक हो गया। नहीं, कैलसी का प्रोसेसर स्लो होता है, वो थोड़ा टाइम लेता है सॉल्व करने को, लेकिन वो सॉल्व करके देगा। देखिए आ गया हमारा आंसर। अब ये हमारा इस इक्वेशन का आंसर है। तो आप अगर किसी इक्वेशन में एक अननोन है, सिर्फ एक अननोन, और वो लीनियर है यानी स्क्वायर या क्यूब नहीं है, तो आप डायरेक्टली कैलसी में डाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपने अल्फा निकाला इसकी वैल्यू कैलसी ने मेमोरी में स्टोर कर ली है। यानी जब अगली बार आप ये इक्वेशन यूज करेंगे पहले आपको कैलसी की मेमोरी को क्लियर करना चाहिए और फिर इसको यूज करना चाहिए।